अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जमाली एवरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाइयों का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भाइयों का जो शौक़ है वो अच्छी तरह से चल रहा होगा और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी अच्छी आ रही होगी। हमारी दुआएं है। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दोस्त बेचारे परेशान हो जाते हैं पल्किंग के हिसाब से, जिन भाइयों का पेयर जो है ना पल्किंग वगैरह करता है, ये मसला हर किसी के सेटअप में आ रहा है ये आजकल। तो इस वजह से कोई बर्ड होता है जो पल्किंग करता है मगर हल्की पल्किंग करता है, तो उस वजह से कोई इशू नहीं आता है। कोई कोई पेयर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा पल्किंग करता है और काटता भी है, तो इस वजह से आपको एक मैं बात बता रहा हूँ आज, वो आप करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पास भी यही इशू आ रहे थे, एक दो पैर हमारे थे वो भी पल्किंग ही कर रहे थे, फिर हम भी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखें, जब इंसान इतनी मेहनत करता है, वो अपना इतना टाइम निकाल के इतनी मेहनत करता है बर्ड पे, अगर उसके बर्ड पे जब सेल्फ होने वाले हो तो फिर बाद में पल्किंग होती है, क्योंकि पहले पल्किंग नहीं करता है कोई भी पैर होता है। वो पहले अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से बच्चे पालता भी है और जब वो पिन फीडर हो जाते हैं बच्चे, तो उस टाइम वो पेयर जो है ना पल्किंग करना शुरू कर लेता है। तो इस वजह से हमारे पास भी बहुत ये मसला आ रहा था, एक दो पेयर हमारे थे जो बहुत ज़्यादा पल्किंग कर रहे थे, इतनी पल्किंग कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर में से जो है ना ब्लड भी जो है ना निकल रही थी। तो इस वजह से हम भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर हमने क्या किया, हमने अपने मतलब कि उस पेयर से आदत निकालनी है हमें। वैसे आप कोशिश करेंगे कि उसके बच्चे निकाल के किसी और पेयर को देंगे, वो सर्वाइव भी हो जाएंगे, वो बच्चे बच भी जाएंगे, मगर उस पेयर से आदत किसे निकालें हम? हमको उस पेयर से आदत निकालनी है जैसे कि वो पेयर दोबारा बच्चे दे और पल्किंग ना करें। तो इस टॉपिक के लेकर जो है ना हम आगे बढ़े और हम अपने जो है ना मकसद में कामयाब हो गए थे। तो आप एक काम करें कि एलोवेरा जो होता है ना, एलोवेरा आप एलोवेरा लें, कोशिश करें कि जो ताज़ा हो, ताज़ा वो आप वो एलोवेरा लें। जो भी पेयर आपके बच्चों को पल्किंग करता है, आप क्या करें, आप उसके ऊपर एलोवेरा लगा लें, एलोवेरा लगा लें। उसके अलावा आप उसको वो ही बच्चे जो है ना उसी बॉक्स में रखें जो पेयर एलोवेरा, जिस बच्चे को आप लगाएंगे एलोवेरा, तो वो पेयर जब उसको एलोवेरा को खाएगा बच्चे को, बच्चे के ऊपर से जब वो उसकी पल्किंग वगैरह करेगा तो उसके मुंह में एलोवेरा लगेगा तो वो छोड़ देगा। तो इस वजह से आपके जो बच्चे हैं वो बच भी जाएंगे और आपकी पेयर का जो आदत है वो भी निकल जाएगी। वैसे जो मैंने आपको बोला कि आप कोशिश करेंगे वैसे कि जो है ना पेयर से बच्चे आप निकालेंगे, वो निकल तो जाएंगे मगर पेयर की आदत ख़त्म नहीं होगी, वो दोबारा बच्चे करेगा, दोबारा उसको जो है ना पल्किंग की आदत पड़ जाएगी। तो आप एक काम करें, आप उसके ऊपर से एलोवेरा लगा लें। तो एलोवेरा लगाने से क्या होगा, जो जब वो पेयर अपने बच्चों को पल्किंग करेगा तो उसको जब कड़वा लगेगा तो वो छोड़ देगा। सुबह भी लगाएं, शाम को भी आप अपने बच्चों के ऊपर लगाएं एलोवेरा लेके, तो आप शाम को भी लगाएं, तो उसमें क्या होगा, जो आपका पेयर होगा ना वो पल्किंग करना छोड़ देगा। तो आप एक कोशिश ये करें, क्योंकि इस टाइम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, वो थोड़ी ठंडी होती है, ये एलोवेरा थोड़ी ठंडी ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी लगाएं ऊपर और सुबह भी लगाएं और शाम भी लगाएं। अगर आप सुबह शाम नहीं लगाएं तो कोशिश करें दोपहर के टाइम लगाएं, मगर आपको उन बच्चों पे लगाना है जिसके माँ बाप उसको ज़्यादा पल्किंग करता है, मतलब कि इतनी ज़्यादा करता है कि उसकी खून निकल आती है, तो आप उसको लगाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि ये एलोवेरा बहुत कड़वी होती है। जब वो फीमेल चक मारेगी, जब उसको काटेगी, तो उस टाइम जो है ना इसको कड़वा वगैरह लगेगा ना, तो ये छोड़ देगा। हमने खुद भी किया, हमारे पास तो एक पेयर था वो क्रिमिनो की पल्किंग कर रहा था, तो आप सोचें कि मैं कितना परेशान हो गया होगा। तो हमने ये दी, इसको जो है ना लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना वो पेयर की आदत भी निकल गई और उसने ही बच्चे पाले उस पेयर से। तो मैंने यही सोचा था कि इससे बच्चे निकाल के किसी और पेयर को दे दूँ, तो मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने बोला कि इस पेयर से आदत निकालें आप, तो हमने इस पेयर से आदत निकाल ली और वो बच्चे भी हमारे सर्वाइव हो गए। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बच्चे, थोड़े ये अभी वहाँ हो गए हैं, वो सेल्फ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ, क्योंकि आपको भी पता चले, आप भी जैसे कोशिश करें कि आपके पास भी जो ये इशू आए तो आप भी उसको जो है ना सही तरीके से देख के और आप भी जो है ना इस पे कामयाब हो जाएं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपको नज़र आता होगा, ये आप देखें बच्चे, ये जो रहा क्रिमिनो, आप देखें इसको पल्किंग की हुई है। तो यही थे जो ये पेयर पल्किंग वगैरह कर रहा था, तो फिर हमने उसको ये दी एलोवेरा, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ हो गए, खुद खाते पीते हैं। तो इस वजह से आप भी ख्याल करें जैसे कि आपकी जो मेहनत है वो रायगान ना जाए और आपके पास भी अच्छी ब्रीड आ जाए। तो हमारा यही आज का टॉपिक था, हमने आपको बताया कि आप भी ख्याल करें अपने बर्ड का, अगर आपके पास यही मसला आ रहा है तो आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।